इस क्लास स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 फ्लाइंग विद नंबर के एक्सरसाइज 3H स्टार्ट की थी और 3H एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सेकेंड नंबर के फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्लाइंग। इसके हमने ई तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपके एफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इसके हमने ए टू ई कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आपके एफ नंबर दे रहेगा 6 और 14 का अपन को क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना। ओके, और इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने क्या फाइंड करना सीखा था, एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। ओके, तो एलसीएम फाइंड करते हैं 6 और 14 दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं फिर कितना आ रहा है 3 या 7। ओके, नेक्स्ट 3 जो हो गए 7 का 7 ही रहेगा। नेक्स्ट अब 7 और 1 अब कितना आ गया आपके 1 आने पे आप इन दो तीनों नंबरों को मल्टीपल कराना, क्या हो जाएगा 2 × 3 × 7 2 × 3 = 6 6 और 7 का मल्टीपल हो जाएगा 42 6 × 7 = 42 तो आपके एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 6 और 14 = 42 आपके 6 और 14 का एलसीएम कितना आया 42 आया फाइंड किया हमने। नोट कीजिए, इसी मेथड से आपको सारे एलसीएम फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जी, इसी क्वेश्चन का जी नंबर है जी में नंबर दे रखे 25 और 20। ओके, इनका फाइंड करना एलसीएम, तो नंबर है 25 और 20 25 और 20 पहले ऐसे नोट कर देते हैं, तो 22 से डिवाइड हो रहे हैं तो 10 और 25 ही रहेगा। नेक्स्ट 2 से और डिवाइड हो रहे हैं 5 और 25। अब 5 और 25 दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से 5 1 टाइम और ये 25 5 टाइम। अब वापस किससे हो रहे हैं 5 से तो 1 और 1। अब जो आपको नंबर आ रहे हैं 2 2 5 5 इनका मल्टीपल करा देते हैं 2 × 2 × 5 × 5 तो कितना हो जाएंगे 2 और 2 का मल्टीपल 4 से वापस 5 से करेंगे कितना हो जाएंगे 4 × 5 = 20 और 20 को वापस 5 से करेंगे कितना हो जाएंगे 100। तो इनका मल्टीपल कितना आ गया 100। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 25 और 20 = 100। 25 और 20 का एलसीएम कितना हमने फाइंड किया 100 किया। नोट कीजिए ये भी, नेक्स्ट एच आपको सेल्फ करना है, एच और आई आपको सेल्फ करना है सेम इसी टाइप से। नेक्स्ट आपके जे नंबर सॉल्व कराते हैं
एड चाहिए हो आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। जे में नंबर दे रखे हैं 24 एंड 30, ओके 24 एंड 30 के एलसीएम फाइंड करने सॉल्व करते हैं। 24 एंड 30 दोनों ही नंबर आपसे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से, क्योंकि इवन नंबर है। 2 से 24 12 टाइम डिवाइड हो रहे हैं और 30 15 टाइम डिवाइड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट, अब 12 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, तो आप पहले प्राइम नंबर स्मॉल पावर प्राइम नंबर कौन सा है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हो जाएगा 2 से 6 और ये 15 का 15 टाइम रहेगा। फिर 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम 3 टाइम और 15 का 15 टाइम। नेक्स्ट 3 और 15 अब कौन से नंबर से प्राइम नंबर से हो रहे हैं, 3 से 3 वन टाइम और 15 5 टाइम। नेक्स्ट 1 और 5 अब 5 टाइम, 1 का 1 और 5 का भी 1। अब इनका मल्टीपल करा दो, कितना हो जाएगा मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 3 टाइम आ रहा और 3 वन टाइम और 5 भी 1 टाइम। अब इनका मल्टीपल कराओ कितना हो रहे हैं, 5 3 15 15 को 2 से 30 को 2 से कराएंगे, 30 को 2 से 60 और 60 को 2 से 120 हो जाएंगे, ओके। तो इनके एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 इजिकल टू 120, ओके। और कीजिए नेक्स्ट है कि ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट केस सॉल्व करते हैं। के नंबर में आपको नंबर दे रखे हैं 64 एंड 80, कितने नंबर है के में 64 एंड 80, इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ओके। सॉल्व करते हैं 64 एंड 80 2 से डिवाइड हो रहे कितने टाइम 32 और ये 40, फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहे कितने टाइम 60 और 20, फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं कितने 8 और 10, अगेन 2 से डिवाइड हो रहे कितने 4 और 5, फिर 2 से डिवाइड होंगे 4 नंबर कौन से हो जाएंगे 4, ओके कितने टाइम 2 टाइम 5। नेक्स्ट अब 2 से और डिवाइड हो रहे हैं कितने 1 5, अब लास्ट किस नंबर से प्राइम नंबर से डिवाइड होंगे 5 से और 1 1। अब जो आपको 2 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 टाइम मल्टीपल और 5 को 1 टाइम मल्टीपल करेंगे, ओके। 2 मल्टीपल 2 कितने टाइम है 2 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर एक 1 टाइम कौन सा है 5 मल्टीपल करो, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 10, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे 20, 20 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएंगे 20, यहाँ तक आया तो वापस देखो 2 से 5 को 2 से 10, वापस 10 को 2 से 20, 20 को 2 से 40 और 40 को 2 से 80 और 80 को 2 से मल्टीपल करें 160,
और 160 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 320 कितना आएंगे, 320। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, ये रब कर देना, वापस रब कर देना, तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया था, कितना हो जाएंगे एलसीएम ऑफ 64 एंड 80 इज इक्वल टू 320। नोट कीजिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एल, एल को आपको सेल्फ सॉल्व करना है, होमवर्क में 81 एंड 108 का आपको एलसीएम फाइंड करना है सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एम, एम नंबर क्वेश्चन है, एल को आपको खुद को सेल्फ होमवर्क में करना है। एल में आपको क्वेश्चन, सॉरी एम में दे रखा है, नंबर है आपके 4, 8 एंड 10 का क्या फाइंड करना है एलसीएम। अभी तक हमने किया था एलसीएम फाइंड, 2 नंबर का एलसीएम फाइंड किया था, और अब एलसीएम फाइंड करेंगे, वो कितने नंबर से करेंगे, 3 नंबर के अंदर एलसीएम फाइंड करेंगे। इससे पहले कितने नंबर में किए थे, 2 नंबर के अंदर एलसीएम फाइंड किए थे। ओके, सॉल्व करते हैं, सेम मेथड वही रहेगा, लॉन्ग डिविजिट मेथड से कर रहे हैं। ओके, तो कितना हो जाएंगे 4, 8, 10, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों ही नंबर, तो 2 से डिवाइड कितने हैं, 4 टू टाइम और 8 फोर टाइम, 10 फाइव टाइम, फिर नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो रहे हैं 2 नंबर, 2 वन टाइम और 4 टू टाइम, 5 का 5 सेम, नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो रहे हैं 1 का 1 सेम, 2 वन टाइम और 5 का भी 5 सेम। नेक्स्ट अब किससे नंबर डिवाइड होंगे, 5 से 1 1 1, अब आपके 2 3 टाइम और 5 1 टाइम का मल्टीपल कर देंगे, 2 मल्टीपल 5 कितना हो जाएंगे, 5 2 10, 10 को 2 से 20, 20 को 2 से 40। ओके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 10 इज इक्वल टू कितना एलसीएम आया, 40। नोट कीजिए, नेक्स्ट नंबर है एन नंबर, एन आपको खुद को सेल्फ होमवर्क में करना है। 3 नंबर के हमने एम नंबर क्वेश्चन कराए थे, और 3 के नंबर का है 4, 5, 7 का, इनका एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट ओ, ओ के अंदर कितने नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर का अपन एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, 4 नंबर का एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम फाइंड कर लिया, 3 का एलसीएम फाइंड करके सीख गए, अब कितने नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं, 4 नंबर का। ओके, 4 नंबर कौन कौन से हैं आपके, 2, 4, 5, 6 ओ नंबर है, 2, 4, 5 एंड 6। ओके, इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, सेम ही मेथड रख रहे हैं, मेथड में सब में एक ही रख रहा हूँ, तेज नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि आपके आसान रहेगा, 2 अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 ही हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो 2 1 4 2 और 5 का 5 ही सेम, और ये 3। नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 1 5 एंड 3, अब नंबर कौन से डिवाइड हो रहा है, 3 से फर्स्ट स्मॉल है, नेक्स्ट 5 का 5 सेम और 3 वन टाइम, अब नेक्स्ट कौन से नंबर से होंगे, 5 से और 1 1 1। ओके,
अब इनको मल्टीपल करा दो, टू कितने टाइम है, टू टाइम, थ्री भी कितने टाइम है, वन टाइम, और फाइव कितने टाइम है, वन टाइम। थ्री फाइव जा फाइव, थ्री जा कितना हो गया, फिफ्टीन, फिफ्टीन को टू से मल्टीपल कराएंगे कितना हो जाएंगे, थर्टी, थर्टी को टू से मल्टीपल कराएंगे कितना हो जाएंगे, सिक्सटी, यानी कितना आ गया, सिक्सटी। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू फोर फाइव एंड सिक्स, ओके इजिकल टू, एंड सिक्स इजिकल टू सिक्सटी, इनका एलसीएम कितना आ गया, सिक्सटी। नोट कीजिएगा, नेक्स्ट आपके पी, पी भी फोन नंबर है, और फोन नंबर के मैंने ये आपको एलसीएम करा दिया है, इसका आपको सेल्फ करना है, और इसका 64 ही एलसीएम आएगा। ओके पी का नेक्स्ट आपके एलसीएम फाइंड करना, डिवीजन मेथड फुल यूज, और क्वेश्चन नंबर थ्री, क्योंकि मैंने ये ओ एक ही करा रहा हूँ, पी आपको खुद को सेल्फ करना है, क्योंकि इसमें आगे और भी नंबर आ रहे हैं, थ्री नंबर क्वेश्चन के अंदर थ्री और फोर नंबर के एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड फाइंड द एलसीएम, और मेथड दे दिया आपको डिवीजन मेथड, किससे, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ओके फर्स्ट नंबर आपको इसके अंदर दे रखा है ई, ई के में आपको नंबर दे रखा है 12, 16 एंड 18, ओके 12, 16 और 18 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना। ओके सॉल्व करते हैं, 12, 16, 18, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2, 6, 8 और 9, फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के 3, 4 और 9 का 9 ही सेम रहेगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 का 3, 2, 9, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 3, 1, 9, अब 3 और 9 से दोनों नंबर किससे हो रहे हैं, 3 से, 3 1 टाइम, 1 का 1 और 9 3 टाइम, फिर नेक्स्ट 3, 1, 1, 1, ओके 2 कितने टाइम आया, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 2 है, और 3 टाइम, 3 कितना टाइम है, 2 टाइम, इनका मल्टीपल करा देते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 कितने टाइम, 4 टाइम, और 3 भी 2 टाइम, 3 3 जा 9, 9 को 2 से मल्टीपल कराएंगे कितना आ जाएंगे, 18, 18 को 2 से कराएंगे कितना आ जाएंगे, 36, 36 को 2 से कराएंगे 72, 72 को 2 से कराएंगे तो 144, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18 का एलसीएम आपके आ जाएगा 144। नोट कीजिए,
नेक्स्ट बी नंबर आपको खुद को सेल्फ करना है, 20 होमवर्क में सेल्फ करना है, 7, 21 और 28 का एलसीएम पॉइंट करना है 6 मेथड से। सी नंबर सॉल्व करते हैं, सी सी के अंदर आपके नंबर दे रखे हैं 30, 42 और 63। सी है 30, 42 एंड 63 क्या क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ओके, सेम ही मेथड है, कोई मेथड चेंज नहीं होगा इसी के अंदर, एक ही मेथड से करते हैं ताकि आपको बार बार कोई भी एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आसान रहेगा और सीखने भी एकदम इजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट 30, 42, 63 सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 नंबर्स इसके अंदर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2, 15, 21 और 63 का 63 सेम ही। फिर और अब 2 से हो रहे क्या, नहीं हो रहे, किससे हो रहे हैं, 3 से, 3 से ये 15 फाइव टाइम और 21 सेवन टाइम और 63 21 टाइम। नेक्स्ट अब 3 से हो रहे क्या, 21 हो रहे हैं, 5 का 5 ही रहेगा सेम, 7 का 7 सेम और इसका 7 टाइम। ओके, नेक्स्ट अब 7 7 आ रहा 2 टाइम और 5 तो 5 टाइम, फिर 1 7 का 7 और 7 का 7 तो 7 1 टाइम। ओके, 1 1 1 अब इनको मल्टीपल करा देते हैं, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। ओके, अब मल्टीपल करा दो, 5 और 7 का मल्टीपल कराएंगे 35, 35 को 3 से मल्टीपल कराओ, 35 को 3 से मल्टीपल कराएंगे तो 105। ओके, अब 105 को 3 से मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएंगे, 105 को 3 से तो हो जाएंगे 315, कितना हो गए 315, 315 को मल्टीपल कराएंगे किससे, 2 से तो हो जाएंगे 630, कितना हो जाएंगे 630। तो इन आपके एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम एलसीएम जैसे मैंने इनके साइड में आपको मल्टीपल किया है, आप कोई भी मल्टीपल नहीं होते हैं तो इसमें साइड में ऐसे मल्टीपल कर सकते हो, एलसीएम ऑफ 30, 42 एंड 63 इजिकल टू कितना आ रहा है 630। ओके, नॉट इजी। नेक्स्ट है आपके बी, आपको सेल्फ होमवर्क में करना है, इजी है। और इसके बाद में आपके ई नंबर सॉल्व करते हैं, ई नंबर क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन के अंदर नंबर बड़े हैं तो इसलिए मैं सॉल्व करा था 200, 240, 300 एंड और कितने आपके 600। इनके अपन को क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ओके, 240, 300 एंड 600। ओके, अब इसमें 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं 120, 150 और 300। ओके, फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीन में 60, 75 और 100
फिफ्टी, अभी भी टू से डिवाइड हो रहे हैं, टू नंबर 60 और 150 सॉल्व करते हैं, टू से डिवाइड, टू 30, 75 का 75 सेम और ये भी 75, नेक्स्ट टू से डिवाइड हो रहा है 30 तो 15, नेक्स्ट 75 और 75, अब किससे हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, 3, 5 और 3 से कितने टाइम, 25 टाइम, ये भी 25 टाइम, अब नेक्स्ट किससे हो रहे हैं, 5 से तो 5 वन टाइम और ये भी 5, 25 का 5 और ये 5, नेक्स्ट लास्ट है 5 टाइम 1 1 1, ओके। अब मल्टीपल कराना किसको, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 और 4, 4 टाइम 2, 1 2 3 और 4, 4 टाइम 2 को मल्टीपल कराना है और 3 कितने टाइम है, 1 और 5 2 टाइम, ओके 3 5 और 5 मल्टीपल कराओ, 5 5 का कितना हो जाएंगे, 25, 25 को 3 से मल्टीपल कराएंगे कितने हो जाएंगे, 25 को 3 से 75, 75 को 2 से मल्टीपल कराएंगे कितने हो जाएंगे, 115, यहाँ तक हो जाएंगे 115, फिर 150 को 2 से मल्टीपल कराएंगे 300, 300 2 को मल्टीपल कराएंगे तो 600, 600 को 2 से मल्टीपल कराएंगे तो 1200, ओके। तो आपके एलसीएम कितने, इसका मल्टीपल कितना आएगा, 1200, तो एलसीएम आ जाएगा आपके, एलसीएम ऑफ कौन से नंबर है, 240, 300 एंड 600, इनके एलसीएम टोटल कितना आ रहा है आपके, 1200, ओके। नोट कीजिए, और इसका लास्ट है पी है, तो आपको खुद को सेल्फ करना है होमवर्क में, और जो मैंने आज के लिए क्वेश्चन किए हैं और जिस जो और इसके अलावा मैंने लेफ्ट किए हैं क्वेश्चन, वो आपको होमवर्क में करने हैं टोटल क्वेश्चन, ओके। साथ ही साथ आपका होमवर्क कंप्लीट रखें, किसी टाइम आपकी नोटबुक स्कूल में मंगा कर चेक हो सकती है, ओके। तो आप क्लास वर्क और होमवर्क भी साथ में चेक करते रहे, नोट करते रहे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर।